सो हे गाइस, तुम सभी का स्वागत है पोकेमॉन ग्लेस्ड के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर। सो गाइस, पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने अपना आधा सफर तय कर लिया था पोकेमॉन लीग की जर्नी की तरफ, और हम लोग पोकेमॉन लीग की मेन एंट्रेंस के एंड पे आ गए हैं, और यहाँ पे टीम फ्यूजन का लीडर खड़ा हुआ है चिरा। आई एम सॉरी फॉर वॉट आई मे हैव पुट यू, तो वाइल आई वॉज इन माई पावर सीकिंग मूड आई पुट अवे दैट काइंड ऑफ लाइफ। An associate of mine wanted me to give you this. Okay, CEO key pass. Okay, इससे क्या कर सकता है? He wished for you to meet him on the top floor of Fusion Corporation. That's in Palm Tree Resort. If you don't remember, I hate to ask this of you, but I feel it may be important for both of you. He need closer, so please visit him as soon as you able. Okay. लेकिन okay, अभी यहाँ से जा नहीं रहा है, तो मेरे को आई गेस वहाँ पे जाना पड़ेगा। और जैसे सीईओ की हमें दे दी है तो हम बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। ये रहा पाम ट्री रिजॉर्ट, एंड शायद से हमको जाना है यहाँ पर। ओके, अब हमारे पास की है तो हम ऑफिशियली जा सकते हैं। उसने बोला था हमें टॉप फ्लोर पे आना है। ओह, ये कौन है? मिशेल गेव यू द की देन आई गेस ही वॉज रिलायबल आफ्टर ऑल। I've been thinking a lot about what I've been doing with my life, chasing you around for revenge. What's the point? Let's battle one more time just for closer, okay? All right, guys. तो इस काफ वाला पिकाचु हमसे लास्ट टाइम बैटल करना चाहता है, और ये लेवल 50 का हो चुका है, तो हमें यहाँ पे बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि सेप्टाइल वाला लेवल 52 का है और ग्रास टाइप का हमने ईजिली हरा भी दिया। I think I know what I need to do. I want to settle down with a trainer and battle for good instead of evil. I don't care if you say yes or no. You are going to be my trainer. Okay. तो guys, जैसे तुम लोग बोल रहे थे कि ये पिकाचू हमारा हो चुका है, लेकिन और तुम लोग बोल रहे थे कि वाला पिकाचू हर एक मूव को लर्न कर सकता है, सो ये बढ़िया बात है। लेकिन मैं अभी फिलहाल पिकाचू को यूज़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि जब हमने शुरू से लेके एंड तक अपने इन पोकेमॉन के साथ जर्नी करी है, तो हम एंड में भी इन्हीं पोकेमॉन के साथ अपनी जर्नी एंड करेंगे। ऑल राइट, Pikachu was under constant struggle for revenge, but he seems at peace with you. Okay, I don't feel like I belong in Toonode anymore. Regina filed for divorce and there's nothing but bad memory. I am going to Sonara region for now. Okay. Oh, I forget to tell you, I ended up releasing Dialga Pilot Retina. It felt like the right thing to do. Pidgeot use fly. तो ये बढ़िया बात है कि मिशेल ने अपने जो लेजेंडरी पोकेमॉन्स थे उनको रिलीज कर दिया है। एंड लेकिन इसके साथ एक बंदा बुरा हुआ कि इसकी बीवी ने इसको तलाक दे दिया है, तो यार ये इसके साथ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसकी बीवी भी पूरी भागीदार थी इसके इविल प्लान्स के अंदर। तो फिर डिवोर्स क्यों लिया? चलो, जो भी उनका पर्सनल मैटर था हम लोग ध्यान नहीं देने वाले हैं। तो मैं सीधे तुम लोगों से मिलता हूँ पोकेमॉन लीग के एंट्रेंस पे। सो गाइस, हम लोग फाइनली पाथ ऑफ विक्ट्री पे आ चुके हैं, और ये यहाँ पे हमारा कोरल बैच डिटेक्ट हो चुका है फाइनली, और यहाँ पे हमें कुछ पंटर्स मिले हैं जिनके साथ हमें फाइट करनी पड़ेगी। अब क्या करें भाई, एंडिंग पार्ट है तो फिर फाइट तो करके जाएंगे ही हम लोग, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, मेरे पोकेमॉन्स की हालत बहुत ख़राब हो रही है यहाँ पे, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे ट्रेनर्स मिले थे, तो बस यही बात है और कोई बात नहीं है। तो फ्लेम व्हील मार रहा हूँ मैं मैग्नाजोन के ऊपर एंड ड्रैगन ब्रीथ पोलीवर्थ के ऊपर, और बहुत ही सही काम कर गया भाई। देखो, पर इन्फिनिट हमारा डाउन हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम लोग पोकेमॉन सेंटर में जाके आराम से इसको हील वील कर लेंगे, नॉट अ बिग डील, क्योंकि इतनी अभी तक इन्फिनिट ने मेरा साथ निभाया है। ओके, क्लोवर बैच भी डिटेक्ट हो गया है, और ये रहा हमारा प्यारा सा एक बढ़िया सा पोकेमॉन सेंटर एंड पोकेमार्ट एंड पोकेमॉन लीग। तो बिना किसी देरी के हम लोग फाइनली पोकेमॉन को हील करते हैं, देन कुछ चीज़ें मैं ले लेता हूँ अपने साथ। ओके, मेरे को रिवाइव काफ़ी सारे चाहिए होंगे। ओके, मैं अपने पास घना पैसा है तो उसकी कोई ज़रूरत है नहीं मेरे को पैसों की चिंता करने की। हाइपर पोशन भी कम से कम मैं 15 लेके जाऊँगा, ठीक है, और फुल रिस्ट छोड़ो, फुल हील ले लेते हैं कम से कम। ओके, 10 ले लेते हैं, बस दिस इज़ इनफ, एंड गाइस वी आर गुड टू गो। तो गाइस, हम लोग फाइनली आज के एपिसोड के दो जिम लीडर्स, सॉरी कोई आ गया है। हे वेट अप, कौन है ये? कैटो, जस्ट मैनेज टू कैच अप विद यू। यू श्योर यू आर रेडी टू टेक ऑन द लाइट फॉर? लेट्स मी सी यू इन बैट फर्स्ट बैटल। भाई तुम पागल तो नहीं हो रहे क्या? मुझे पोकेमॉन लीग में जाना है, लाइट फॉर मेंबर से फाइट करनी है, तुम लोग
मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई, कहाँ का इंसाफ है भाई। तुम लोग अभी भी मेरा टेस्ट लेना चाहते हो हैं, अभी भी कहाँ की बात हुई, कहाँ की बात हुई भाई। ना इंसाफी बहुत है, लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे, इन कैसे तैसे मार देंगे। ओके पॉलीगॉन जी, अरे भाई यार तुम क्यों मेरा सब्र का इम्तिहान ले रहे हो भाई। इतने तुच्छे तुच्छे पोकेमोन लाओगे तो फिर क्या होगा हैं, क्या होगा, ऐसे ही हराऊंगा ना मैं आंख बंद करके फिर उनको। ये लो भाई निकलो पतली गली से, बस मेरा क्या है, मेरा कुछ हो जाएगा नहीं, तुम्हारा ही जाएगा। गिबाइट है अबे यार, गिबाइट यूज़ कर रहे हो तुम हैं। गार्ड चौप मिला सकते मेरे सामने, गार्ड चौप मुझे तो अलग बात होती भाई। लो भाई निकलो तुम यहाँ से, हार गए ना। ऑल राइट आई एडमिट यू आर अ स्ट्रॉन्ग, गुड लक बैटलिंग द एलाइट फोर। भाई ये लोग मेरे पोकेमोन को फील हील करा रहे बैठ रहे हैं, छोड़ भाई कोई बात नहीं। तो गाइस अब हम लोग फाइनली जाने वाले हैं एलाइट फोर मेंबर से फाइट करने के लिए, और सबसे पहले एलाइट फोर मेंबर है हमारी ये, जिसका नाम है रोजियालाइन, जो भी है। अ न्यू चैलेंजर, वेलकम टू नो लेक, माय नेम इज रोजियालाइन एंड आई लव पिंक पोकेमोन, शैल यू बैटल। ओके इसको पिंक पोकेमोन पसंद है, तो मे बी ये पिंक पोकेमोन यूज करे आई गेस। ओके पिंक बैकग्राउंड काफी अच्छा है, लिकी टंग। ओके हम फ्लेम थ्रोअर से काम चला सकते हैं, देखते हैं फ्लेम थ्रोअर से काम बनता है नहीं बनता, क्योंकि इसके 46 है हमारे 64 है, वन शॉट में गया नहीं। हील बैल, ओके हील बैल से हील हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपन को। हम दोबारा फ्लेम थ्रो यूज़ करो कि वो फुल रिस्टोर या हाइपर पोशन यूज़ कर सकती है। यप मेरे को पता था वो कुछ ऐसा ही करेगी, और इसलिए मैं पहले से ही अपना काम लेके चल रहा था। तो मैं अब इस बैटल को बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं करने वाला हूँ, जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। मैं अगेन फ्लेम थ्रोअर यूज़ करूँगा, ठीक है। ओ भाई उसने वापस बुला लिया, अब इसने बुलाया माइलोटिक को। ओके माइलोटिक वाटर टाइप पोकेमोन है, तो यहाँ मेरे को डिसएडवांटेज होने वाला है, तो मेरे को यहाँ पोकेमोन चेंज करना पड़ेगा। तो पोकेमोन चेंज करने के लिए मैं देखो यूज़ कर रहा हूँ अबोबी को, ठीक है। यूज़ करते हैं अपना सोलह बीम, क्योंकि सोलह बीम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव है, अच्छा डैमेज देगा, और मे बी ये एक ही बारी में किल आउट हो जाए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है आज के बैटल के अंदर, और इसको बिल्कुल मैं स्किप नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में खेलूंगा मैं। ओके वन शॉट किल हो चुका है, ये वन शॉट किल था ये भी। नेक्स्ट पोकेमोन देखते हैं कौन सा यूज़ करने वाली है। ओके नेक्स्ट पोकेमोन है स्लो किंग, तो स्लो किंग जहाँ तक मेरे को याद है एक वाटर साइकिक पोकेमोन है, तो वाटर के अगेंस्ट देखा जाए तो वैसे इलेक्ट्रिक ग्रास सही रहेगा। तो एक काम कर लेते हैं, मैं एबोबी को ही यूज़ करता हूँ, छोड़ो जो का देखा जाएगा, ठीक है। सोलर बीम अगेन मैं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि सोलर बीम से काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर ये पिंक पोकेमोन पसंद है तो इसके पास चैंसी का फाइनल रिवॉल्यूशन तो होगा ही होगा, ठीक है। और पिंक पोकेमोन कौन कौन से हैं, पिंक पोकेमोन कमेंट डाउन गाइस कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन कौन से पिंक पोकेमोन इसके पास हो सकते हैं। ओके नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा होगा इसका, देखे जरा। नेक्स्ट पोकेमोन है, मैं देखा ही नहीं कौन सा पोकेमोन है, तो नो कर देता हूँ फिलहाल, मैं देख ही नहीं पाया। ओके विलेस सी, मैं अगेन सोलह यूज़ कर रहा हूँ भाई, नॉर्मल पोकेमोन है वैसे तो ये, और ग्रास टाइप नॉर्मल अटैक ही मारेगा इसके ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं हम झेल लेंगे, हम उसके अटैक भी झेल लेंगे, हम अपने अटैक उस पर पूरी तरह से पिटवाएंगे। और हमारी लेवल अब तो ज़्यादा है, तो इससे हमको एडवांटेज होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पोकेमोन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। पोकेमोन चेंज करने के लिए फास्ट फॉरवर्ड यूज़ करूँगा बस मैं। ओके हमारा इन्फनेप आ चुका है, सब बॉइल्ड, सब बॉइल्ड से क्या होगा। ओके हील फैक्टर हो रखा है इसका, हीलिंग फैक्टर, लेकिन हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे पास है मार्क पंच, और हम मार्क पंच के इसकी ऐसी की तैसी मार देंगे भाई। क्या ये वन शॉट किल होगा, क्या ये वन शॉट किल होगा, यस ये वन शॉट किल है। ओके बहुत बढ़िया, हम लोग अभी बिल्कुल सही जा रहे हैं, इतनी डिफिकल्टी फेस करने को मिली नहीं हमको। ओके नेक्स्ट पोकेमोन है लिकी टंग, तो लिकी टंग के लिए तो मेरा इन्फनेप ही काफ़ी है भाई, इसने पिछली बार अपने लिकी टंग को बुला लिया था ना, और हम वापस मार्क पंच यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि क्या पता क्योंकि नॉर्मल टाइप भी है ना ये, तो मार्क पंच तो काम करना चाहिए जैसे ब्लेसी में काम किया था।
ओके बच गया बस थोड़े से, अगेन मार्क पंच, और आई थिंक ये गया काम से, गया यप गया काम से। ओके और कोई पोकेमॉन बचा है इसके पास? मेरे को लगता नहीं कोई बचा होगा। मेटाग्रॉस लेवल 54 का, ओके चैन सी अगेन, तो नो कर रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे को यहाँ पे इन्फिनिब का ही फायदा होने वाला है, तो फिर क्यों वेस्ट करूँ मैं कोई और पोकेमॉन अपना जब मेरे को इन्फिनिब से फायदा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं अब एडवांटेज को लेके भी चल रहा हूँ, क्योंकि बाकी टाइम मैं एडवांटेज वगैरह देखता नहीं हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं एडवांटेज को देख के पोकेमॉन को चूज करूंगा, क्योंकि यू नो कि जब हम एलाइट फोर मेंबर्स फाइट करने जाते हैं तो हमारे पास पोकेमॉन को हील करने कोई भी ऑप्शन नहीं होता, होते ऑप्शन जो हमारे पास फुल लिस्ट होते हैं, और हम लोगों ने पहले एलाइट फोर मेंबर को डिफीट कर दिया है और सेकंड एलाइट फोर मेंबर से फाइट करने के लिए रूम खुल चुका है, तो पोकेमॉन देख ले। वैसे ऑलमोस्ट सारे पोकेमॉन तो मेरे सही हैं, ठीक है, और चलते आगे देखते क्या होता है। तो नेक्स्ट जो जिम लीडर है, आई थिंक सॉरी जिम लीडर कह रहा है एलाइट फोर, वो आई गेस पॉइजन टाइप पोकेमॉन यूज करेगा। अ चैलेंजर, इट्स नो सरप्राइज यू बीट द डस्टी रोजलैंड, बट आई कांट स्टॉप यू। तो ये पॉइजन पोकेमॉन यूज करेगा मेरे को पता है, एंड देखते हैं सबसे पहले पोकेमॉन। ओके एक पोकेमॉन तो पक्का है इसके पास, ट्रैपियॉन आरबॉक, तो आरबॉक है एक पॉइजन पोकेमॉन, तो इसकी वीकनेस तो भाई फायर होनी चाहिए। फायर देख लेते क्या होता है, एक तो पोकेमॉन चेंज कर लेंगे हम। ओके वन शॉट किल होगा ये, यप ये वन शॉट किल ही था। ओके अब ये पोकेमॉन कौन सा यूज करेगा? ओके मिनियाशो, यस ओके मिनियाशो यूज कर रहा है, तो आई गेस मेरे को कोई ग्राउंड पोकेमॉन यूज करना चाहिए, लेकिन ग्राउंड अटैक तो है नहीं यार, छोड़ो भाई इन्फनेब को यूज कर लो, अपन संभाल लेगा ये इन्फनेब हमारा। आई नो बाकी पोकेमॉन को यूज नहीं कर रहा मैं। ओके ये फिर से रिस्टोर करेगी मेरे को पता था, और इस बार ये गई काम से, ठीक है। तो अब मतलब ये है कि हमारे फ्लो फ्लो में जा रहे हैं सब कुछ, फ्लो फ्लो में। तो ये ड्रैपियन यूज़ कर रहा है, तो इस बार तो पक्का मैं पोकेमॉन चेंज करूँगा। तो ड्रैपियन एक डार्क टाइप पोकेमॉन है एंड पॉइजन टाइप पोकेमॉन, तो उस हिसाब से मेरे को यार ग्राउंड टाइप पोकेमॉन यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं बाकी पोकेमॉन को भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो सेलेमेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना सेलेमेंस भी संभाल लेगा इसको। और अपन के पास ड्रैगन ब्रीथ है, तो आई गेस ड्रैगन ब्रीथ से काम बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ड्रैगन ब्रीथ मारते हैं, देखते हैं सो कितना डैमेज होता है। ओके हाफ डैमेज हुआ है, स्वॉर्ड डांस से इसके साथ अटैक या डिफेंस अटैक बढ़ गए हैं इसके। ओके आई गेस अगले ड्रैगन ब्रीथ से भी इसका खेल ख़त्म हो जाएगा, यप खेल ख़त्म। भाई बहुत ही मज़े आ रहे हैं, बहुत ही सेक्सी गेम हो गया हमारा। गेंगार एक घोस्ट पोकेमॉन, ओके घोस्ट के लिए साइकिक सही रहेगा, जहाँ तक मेरे को याद है घोस्ट के लिए साइकिक सही रहता है, क्योंकि घोस्ट और पॉइजन है ना वो, तो साइकिक बढ़िया रहेगा। यप मेरे को याद है भाई, कन्फ्यूजन एक साइकिक मूव है वो। थंडर बोल्ट, गेंगार थंडर बोल्ट सीख सकता है? मेरे को पता नहीं था यार रियली में, या तो पता भी होगा तो पता नहीं, बहुत टाइम हो गया है खेले हुए। तो घोस्ट टाइप पोकेमॉन पे घोस्ट टाइप अटैक भी काम करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे बोला जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। आइस पंच, कहीं ये मेरे को ढेर ना कर दे यहाँ पे, सही बता रहा मैं। ओके नहीं काम किया मेरे ऊपर, मैं भूल गया था यार कि आइस के अगेंस्ट स्टील टाइप ज़्यादा काम करते हैं, और मेरा मेटाग्रॉस स्टील एंड साइकिक पोकेमॉन है, तो मेटाग्रॉस को भी काफ़ी ज़्यादा EXP मिल गया है। और अब अगला पोकेमॉन जो है मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने मॉनर को, क्योंकि मॉनर को हमने यूज़ ही नहीं किया अभी तक। ओके लीफ ब्लेड एंड अगेन ओके मैं आप वाटरफॉल मार रहा हूँ भाई, जाओ निकलो यहाँ से। तो इसको भी हमने आराम से हरा ही दिया। योर पावर फार सरपासेस माइन, यप गाइस हम लोगों ने फाइनली दो अलाइट फोर मेंबर्स को डिफीट कर दिया है, और थर्ड के लिए हमारा जो है रूम खुल चुका है। लेकिन मैं आज के इस एपिसोड को यहीं पे एंड करना चाहूँगा, क्योंकि आज के एपिसोड में काफ़ी बैटल हो गई है, और मैं इसको शॉर्ट एंड सिंपल रखना चाहूँगा, क्योंकि यार तभी तो मज़ा आएगा।
और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग बाकी के दो अलर्ट फॉर मेंबर्स साथ ही साथ चैंपियन को भी डिफीट करेंगे। सो गाइस, अगर तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी ली है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।